दोस्तों हमारी धरती पर जंगली बिल्लियों की 6 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ और जगुआर जैसे खतरनाक जंगली जानवर भी शामिल है। इसमें हम शेर और बाघ में तो आसानी से पहचान कर लेते हैं, लेकिन चीता, तेंदुआ और जगुआर में पहचान करना काफी मुश्किल होता है। ये तीनों बिग कैट्स देखने में बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, इनका रंग भी एक जैसा होता है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों के बारे में कुछ खास बातें, जिन्हें जानने के बाद आप इनमें आसानी से पहचान कर सकते हैं। चीता। चीता इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ये जानवर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। चीता इस पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, लेकिन हाल ही में इंडिया में लाया गया है। चीता का मुंह सभी बिग कैट्स में सबसे छोटा होता है, जिस कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। चीता के शरीर पर छोटे छोटे काले सर्कल्स पाए जाते हैं और ये काफी पास पास होते हैं। चीता की औसतन लंबाई 3 फीट होती है और इनका वजन 36 से 65 किलोग्राम तक हो सकता है। और एक बात और, चीता दहाड़ नहीं सकते हैं, ये सिर्फ बिल्लियों की तरह आवाज भर निकाल सकते हैं। लेपर्ड। लेपर्ड चीता की तुलना में थोड़े भारी होते हैं और लेपर्ड के शरीर में भी चीता की तरह ही काले धब्बे पाए जाते हैं, पर इनके धब्बे चीते की तुलना में बड़े और थोड़े दूर दूर होते हैं। लेपर्ड आमतौर पर भारत, चीन, मलेशिया, अफ्रीका और एशिया के बाकी हिस्सों में पाए जाते हैं। लेपर्ड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं और लेपर्ड अंधेरे में इंसानों से 7 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। तेंदुए ज्यादातर दिन के समय पेड़ों पर आराम करते हैं और रात के समय शिकार करते हैं। ये चीते की तुलना में ज्यादा खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। जगुआर। जगुआर शेर और बाघ के बाद बिल्लियों की तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। जगुआर तेंदुए से काफी मिलता जुलता होता है, लेकिन ये पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। जगुआर का सिर काफी बड़ा होता है और इसके शरीर पर बने धब्बे भी काफी बड़े और गोल सर्कल में होते हैं। जगुआर तेंदुए से बड़े और मजबूत होते हैं। इनकी लंबाई करीब 8 फीट तक हो सकती है और ये भी लगभग 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जगुआर पानी में भी तैर सकते हैं, जिस वजह से ये पानी में मौजूद जीवों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इन तीनों में कोई कंफ्यूजन होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाली घंटी को दबाना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।